हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में आज के दिन 1.25 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% के करीबन का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखिए तो स्टॉक में पहले का हाई था 125 रुपीज का स्टॉक ने हाई बनाया था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलती है जहां पर स्टॉक 107 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहां से फिर से एक डिमांड जोन देखने को मिलता है। और जैसे स्टॉक अपने पिछले हाई 125 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है, स्टॉक एक नया हाई बनाता है 149 रुपीज का। 149 रुपीज के स्टॉक एक टॉप बनाता है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलती है जो कि स्टॉक का जो पिछला हाई था 125 रुपीज उस प्राइस को भी ब्रेक डाउन देता है और स्टॉक 170 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहाँ पर स्टॉक एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक में एक अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 170 रुपीज जहां से स्टॉक में एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा और साथ के साथ स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की बड़ी लिक्विडिटी भी देखने को मिली है तो आप 170 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 150 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।